तो आज बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म नया नाश्ता। इस नाश्ते को एक बार बनाकर खाएंगे, समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाना सभी भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसानी से बनेंगे। जिसे एक बार बनाकर देंगे तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे और जो भी खाएंगे तारीफ ही करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 3 चम्मच तक तेल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है। गर्म होने के बाद डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा इसे लाल होने देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा सा कलर आएगा। और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए आलू थे, जिसे उबाल कर अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसमें डालकर इसे भून लेने हैं। तो यह स्टफिंग आलू से बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी चटपटा लगेगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। यहाँ पर इसे भून लेने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए भून लेंगे और यहाँ पर 4 से 5 मिनट में ये आलू मसाला तैयार हो जाते हैं। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन। तो 1 कप बेसन 150 ग्राम के लगभग है। 1/2 चम्मच डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ पर लेंगे 1 कप पानी। तो इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे 10 मिनट तक लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें थोड़े से बबल्स ना आने लगे। तो यहाँ पर देखिए घोल तैयार है और घोल ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरह से घोल रखने हैं तो हमारे नाश्ते एकदम फूले फूले बने और इसमें ज़्यादा तेल ना जाए। इसके लिए डालेंगे इसमें 1 चम्मच तक तेल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल डाला है, या फिर इसमें आप चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो इसे 10 से 12 मिनट लग जाते हैं मिक्स करने में। तो ये घोल हमारा एकदम तैयार है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो अब यह इसे ढक कर 10 से 15 मिनट तक रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, सेट हो सके। और यहाँ पर अब लेंगे 6 पीस ब्रेड स्लाइस। ये वाइट वाले ब्रेड हैं, आप चाहे तो इसमें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 6 पीस ब्रेड में बहुत सारे नाश्ते बन जाते हैं। तो इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें लेंगे चीज़। तो ये चीज़ क्यूब है छोटे वाले, आप चाहें तो इसमें चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं। और ये क्यूब को एकदम पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे, इस तरह से पतले या थोड़े मोटे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे काट लेंगे। यहाँ पर देखिए इसे काट लिए हैं, आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना चीज़ के भी बना सकते हैं और ये चीज़ पकौड़ा की तरह बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आलू मसाला भी तैयार है, इसे अलग कटोरी में निकाल लिए थे। तो 1 चम्मच से आलू मसाला लेकर ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और एकदम अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे। और इसे ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, हल्का सा पतला लेयर में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी ब्रेड में इसी तरह से लगा लेने हैं। अब यहाँ पर चीज़ क्यूब जो है इसे इस तरह से रख देते हैं। और इस तरह से जब नाश्ते बनाएंगे, ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रेड में भी इसी तरह से लगा लिए थे और इसके ऊपर रख कर हल्के से दबा कर अब इसमें डालेंगे टूथपिक, तो या फिर बगैर टूथपिक के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टूथपिक इसमें लगा दिए हैं और अब इसे काट लेते हैं। तो इसे 4 भागों में काटेंगे, बीच से पहले कट करेंगे इस तरह से और फिर दोबारा से इस तरह से बीच में कट कर लेंगे। तो 2 पीस ब्रेड को 4 भागों में काट लेने हैं और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से काट लिए हैं। तो एकदम मज़ेदार लग रहे हैं ना, सभी को इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर बेसन का घोल भी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो इसे देखिए दिखा रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे हैं। तो इसमें आप जब तक इसे घोले, जब तक इसके ऊपर बबल्स ना दिखने लगे, तभी हमारे नाश्ते ब्रेड पकौड़े बहुत ही टेस्टी और एकदम कम ऑयल में बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम घोल तैयार है।
अब इसमें ब्रेड को डिप कर लेंगे और बेसन के घोल में इसे अच्छी तरह से डुबो लेना है। और इस तरह से देखिए चम्मच से घोल को उठाकर इसमें डाल दे रहे हैं, ये थोड़े से मोटे लग रहे हैं। तो इसी तरह से अब इसे फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाएंगे तो एक एक करके इसमें डाल देंगे। कढ़ाई में जितने भी ये ब्रेड आएंगे उतने डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर में इसे पलट लेना है और इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे बनाएंगे। और यहाँ पर उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक अच्छी तरह से इन सभी को फ्राई कर लेना है। सुनहरा कलर का हो गया है तब इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर भी जरूर करें। और यहाँ पर अब सभी नाश्ते को निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए ब्रेड को भी इसी तेल में इसी तरह से बना लेने हैं। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को बना लिए हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ खाएं, इंजॉय करें। और बहुत ही आसानी से ब्रेड चीज पकौड़ा बनकर तैयार है। तो इसे आप नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके से ये बने हुए हैं। और यहाँ पर दिखा रहे हैं इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगे हैं। तो ये घोल जो अच्छी तरह से बनाएंगे तो इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाएंगे और बाजार के ब्रेड पकौड़े जो खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। और रेसिपी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।